वन डोमेन ऑफ वन अपॉन लॉग ऑफ टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन, इसका डोमेन चाहिए। मॉड्यूल तो मैंने ग्रुप में डाला था ना। अच्छा, या एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स प्लस वन कब डिफाइंड होगा? जब एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, ये इसके लिए। अच्छा, ये कब डिफाइंड होगा? लॉग ऑफ टू माइनस एक्स कब डिफाइंड होगा? टू माइनस एक्स ग्रेटर देन वन। टू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। क्यों? जीरो सर। लॉग एक्स कब डिफाइंड होता है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स लॉग एक्स डिफाइंड होता है? हाँ, एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे टू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। यस सर। हाँ सर। That implies x less than 2, 2 से कम होना चाहिए। अगेन ये जीरो नहीं होना चाहिए। log 2 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो होगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। log का कौन सा वैल्यू जीरो होना चाहिए? यस हाँ, ये log दिया गया मतलब आप ये मान के चलो, मतलब वेरिएबल सिस्टम में बेस नहीं दिया गया, मतलब यू कैन कंसीडर एज ई। तो टू माइनस एक्स सपोज इक्वल जीरो होता, टू माइनस एक्स कितना होगा? वन। वन। दैट इंप्लाइज टू माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। देन एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, वन वन नहीं होगा, टू से कम होगा, वन नहीं होगा। ठीक है, वन सेइंग मोर देन इक्वल टू माइनस वन, वन सेइंग मोर देन इक्वल टू माइनस वन, अनदर वन सेइंग लेस देन टू, लेस देन टू बट इज नॉट इक्वल टू वन, वन नहीं होगा। करेक्ट, आंसर क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ क्या होगा? इसका कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट, इक्वेशन वन इक्वेशन टू का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? -1, 1 इंटरवल बताओ, इंटरवल में माइनस वन में कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, वन में कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? -1 में स्क्वायर और 1 में राउंड। इसको क्लोज बोला जाता है, इसको ओपन बोला जाता है। देन यूनियन यूनियन 1, 2 वन कॉमा टू ब्रैकेट क्लोज, दोनों क्लोज। यस सर। ये नहीं ओपन। ओपन 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 दोनों ओपन, ये हो गया आपका डोमेन। और आप ऐसे लिख सकते हो माइनस वन से लेके टू तक, माइनस वन क्लोज टू ओपन एक्सेप्ट वन, वन। वन को हटा देना चाहिए। यस सर।
मॉड्यूल के आंसर में टू क्लोज दिया है, वो तो क्लोज नहीं होगा। टू होगा तो फिर लॉग जीरो हो जाएगा। नहीं, टू क्लोज होगा तो लॉग अनडिफाइंड होगा। हाँ सर वही, लॉग अनडिफाइंड होगा तो अच्छा। आंसर क्या दिया गया, बी दिया गया क्या? यस सर, यस सर। हाँ, टू को ओपन कर दो, क्लोज नहीं होगा, चेंज कर दो, समझा? यस सर। देन कौन सा, 11 कि 12? 12। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफ ऑफ मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऑल्दो अभी तक हमने ग्राफ नहीं बताया, फिर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं। मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपका ग्राफ दिया गया, उसका मॉडुलस y का मॉडुलस दिया गया है। अच्छा, इससे पहले ये कुछ पॉइंट्स बताओ, जैसे कि if you consider y is equal to sin x, आपका ग्राफ कैसा होगा? ऐसे होगा ना, ऐसे आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना? यस सर। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब मुझे डिफरेंस बताइए, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स होगा तो क्या ग्राफ होगा? इफ इट इज y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स तो आपका ग्राफ कैसे होगा? तो इसमें क्या चेंजेस होगा? नेगेटिव साइड का वो मिरर इमेज हो जाएगा पॉजिटिव साइड वाला। yes. जितने नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव में कोई चेंजेस नहीं होगा। no, y इक्वल टू मॉड x का डेफिनेशन क्या है? x होता है इफ x पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो कोई चेंजेस नहीं है, मॉड x इक्वल टू x हो जाएगा, आज इट इज रहेगा। एंड जब x नेगेटिव होता है, मॉड x क्या हो जाता है? उसका नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा ना, ये पाई टू पाई थ्री पाई जीरो टू पाई आपका आज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। बट पाई से लेकर टू पाई ये नेगेटिव है, नेगेटिव जब है ना इसका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना, नेगेटिव वैल्यू दिया था उसका और एक नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर और एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, सो दैट आउटकम्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो क्या होगा, जो नीचे का पोर्शन है ना वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर रहता है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसका कुछ चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस के नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, मिरर इमेज होगा, ठीक है ना?
Is that clear? Yes, sir. This is the graph of y is equal to mod sin x. अब मुझे बताइए if it is y is equal to sin mod y is equal to sin x, इसका ग्राफ कैसे होगा? ये ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा mod y is equal to sin x? अच्छा, ये जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक अबाउट, ये सिमेट्रिक अबाउट टू व्हाट, किसके रेस्पेक्ट में वो सिमेट्रिक हो रहा है? y-axis. y-axis, ओके. तो आप यू कैन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मॉड, ये होता है ग्राफिकली इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. अब बताइए मॉड y इज इक्वल टू साइन x होगा तो क्या होगा, आपका ग्राफ कैसे होगा? अच्छा, इसका मतलब क्या होना चाहिए आपका, बिकॉज ऑफ मॉड वाई साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए? यस सर. अदरवाइज मॉडुलस का वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा. सपोज साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना? इसलिए इसका जितना नेगेटिव पोर्शन है ना, नेगेटिव वैल्यू जहां पे था उसका ग्राफ नहीं बनता है. अच्छा, y का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? सपोज मॉड y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू क्या हो सकता है? प्लस माइनस 2. प्लस माइनस 2, y का वैल्यू 2 होगा और माइनस 2 भी होगा, चलेगा. तो इसका मतलब जो पॉजिटिव पार्ट था ना वो सेटिस्फाई करेगा, पर वाई का वैल्यू उसका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? बट यहाँ पे साइन एक्स इटसेल्फ नेगेटिव, तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो आपका ऐसे ग्राफ बने. जीरो टू पाई का ग्राफ ऐसे रहेगा, पाई टू टू पाई आपका, पाई टू टू पाई का ग्राफ आपका नहीं होगा, फिर टू पाई टू थ्री पाई का ग्राफ होगा, जहां पे पॉजिटिव उसका ग्राफ होगा. और ये क्या हो जाएगा, ऐसे समझा? इसका फिर ग्राफ नहीं, ग्राफ इन दिस हियर, ये एक एक लूप होगा, एक एक पाई का इंटरवल छोड़ के एक एक लूप हो, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक अबाउट व्हाट? एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस, ओके.
तो मोड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। समझ में आया? मोड वाई रहता है तो कैसे होता है, मोड एक्स रहता है तो कैसे होता है? देखो मोड एक्स वाई इज इक्वल टू मोड एक्स ऐसे ग्राफ होता है ना, ये विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस सिमेट्रिक की नहीं? Yes, sir. Okay. तो y is equal to mod of f of x always symmetric about y axis, but mod y is equal to f of x symmetric about x axis. Sorry, ये y axis, ये x axis. ये note कर लो. तो ये concept उधर लगाएंगे. इसका एप्लीकेशन आ जाएगा ना, इसलिए मैं ये बताया 11th सम में इसका एप्लीकेशन। डन? यस सर।
कुछ ग्राफ दिया गया 0/4 -2/0 2/0 4/0 देन ऊपर जा रहा है। ऐसे ग्राफ है ना राइट? यस सर। और आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि mod y = f(x) ये दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मुझे चाहिए मॉड वाई इज इक्वल टू, मैंने इसमें क्या बताया, जो भी पॉजिटिव वैल्यू उसका क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, नेगेटिव वैल्यू ऐसे रिमूव कर, नेगेटिव वैल्यू का कुछ नहीं होगा, मतलब नेगेटिव को हम रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, समझा? यस सर। अब देखो कुछ अलग मार्किंग कर रहा हूँ, दिस पार्ट इज द पॉजिटिव पार्ट, इसका क्या होगा, सिमेट्रिक ग्राफ बन जाएगा, यस सर, with respect to x-axis, ये पोर्शन का ग्राफ नहीं होगा, ठीक है, ये पोर्शन का ग्राफ नहीं होगा, फिर ये पोर्शन का ये जैसे बना हुआ है ना उसका, फिर अशरफ आपको क्या मिल रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, वर्टिकल दिया गया, सब कुछ दिया गया, ठीक है, एक आपको उठा रहा हूँ, इसका ये नेगेटिव पोर्शन का कुछ नहीं होगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है, ये पोर्शन हट जाएगा, फिर ये ऐसा कुछ ग्राफ है, चेक करो, यस सर, सो दैट इज द आंसर। सर 11th वाला भी, अभी हमने 12th किया, अच्छा ये 12th है, ओके अभी खुद 11th करो, यहाँ पे दिया गया, अच्छा कुछ तो आइडिया यूज करो, यहाँ पे f of x का मॉडुलस नहीं दिया गया, यहाँ पे दिया गया x का मॉडुलस, मॉड x दिया गया, y is equal to f of mod x, कुछ आइडिया यूज करो, मतलब तो सब कुछ आइडिया में होता है, मतलब ऐसा ये नहीं है,
रट्टे मारने का चीज तो नहीं, होता ही नहीं, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। 2 मिनट, 2-3 मिनट में सोचो। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज द ग्राफ, लेट अस स्टार्ट, ठीक है, दिस इज योर y इज इक्वल, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता है, आउटकम्स तो ऑलवेज पॉजिटिव, इसका क्या होगा, आप x का वैल्यू नेगेटिव डालो कि पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू डालो वो तो उसका आउटकम तो नेगेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। सपोज ये 1 से लेके, सॉरी 0 से लेके 2 तक, ये आपका 4 तक, ये आपका -1, ये आपका -2, लेटेस्ट मैं -2 से लेके 4 तक ग्राफ करता, बट व्हेन आई यूज -1 से लेके 0 इन दिस फंक्शन एफ ऑफ मॉड एक्स, वो क्या करेगा, व्हेन एक्स लाइज इन बिटवीन -1 से लेके 0, मॉड एक्स क्या होगा, इफ एक्स वैल्यू लाइज इन बिटवीन -1 से लेके 0, मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 to 1, तो वो 0 to 1 का ही ग्राफ देगा ना। You got my point? Yes, और sir. आप -1 to 0 डालोगे, डालने के बाद मॉड एक्स क्या हो जाता है, 0 to 1, तो 0 to 1 का ही ग्राफ देगा, नेगेटिव साइड में होते हुए भी वो पॉजिटिव साइड का ग्राफ देगा।
तो नेगेटिव साइड में जो भी ग्राफ आता है ना, आपको उसको हटाना पड़ेगा। और आपका क्या होता है, आप ऐसे लिख सकते हो ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, करेक्ट? यस सर। इफ एक्स लेस देन जीरो क्या होगा, x के जगह माइनस एक्स आ जाएगा, मॉड x के जगह माइनस एक्स आ जाएगा। इसका मतलब राइट साइड में आपका ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, राइट साइड का नेगेटिव सॉरी रिप्लेस x एज माइनस x, इतना ही करना पड़ेगा, रिप्लेस x एज माइनस x। तो इसमें जो ग्राफ होता है आप ये रखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये जो ग्राफ होता है इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो क्या होगा, फंक्शन में चेंज नहीं होगा, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। तो इसमें नेगेटिव का पोर्शन जो था ना, व्हेनेवर एक्स नेगेटिव वो ग्राफ आपका हट जाएगा, तो आपको कैसे ग्राफ मिलेगा, विल गेट ग्राफ, ये पर्सन आपका हट जाएगा, इसके जगह क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज होगा, समझा? यस सर। उसमें देखो आपका जो पॉजिटिव पोर्शन का कुछ भी चेंज नहीं होगा, नेगेटिव में जो था उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट में जो ग्राफ मिला ना उसका मिरर इमेज बन जाएगा। कौन सा आंसर कर रहे थे, 11th? हाँ, कौन सा आंसर होगा, आंसर क्या होगा, आपका बी है ना, ऑप्शन बी चेक करो। राइट में जैसे ग्राफ होगा लेफ्ट में ऐसे ग्राफ होगा, बट इसका राइट में जो ग्राफ था ना, वाई का राइट में जो ग्राफ था वही ग्राफ होना चाहिए, y एक्सिस का राइट में जो ग्राफ हुआ था उसका ही मिरर इमेज हो जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है? यस सर। एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके, लास्ट टाइम हो गया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अब करेंगे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। व्हाट इज इवन फंक्शन, अभी अभी जो मैंने बताया, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। क्या एग्जांपल दे सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट्स व्हाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो दिस इज एन इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर
एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर रिप्लेस एक्स एज माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर सेम एज एफ ऑफ एक्स, तो ये भी इवन फंक्शन हुआ. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 44 प्लस एक्स टू द पावर 28 प्लस एक्स टू द पावर 12 प्लस 10. चेक करो एफ ऑफ माइनस एक्स कुछ चेंज होगा क्या? इफ यू रिप्लेस एक्स एज माइनस एक्स फंक्शन में कुछ चेंज होगा? नो सर, क्योंकि सबका पावर इवन मैंने रखा. ओके, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. एफ ऑफ माइनस एक्स वही एक्स टू दी पर 44 मिलेगा, वही एक्स टू दी पर 28 होगा, एक्स टू दी पर 12 होगा, देन एज इट इज रहेगा विच इज एफ ऑफ एक्स. दैट्स व्हाई इट इज एन इवन फंक्शन. एफ ऑफ एक्स इज द कॉस एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? cos x, cos of minus x, cos of minus theta, cos x, cos theta into cos x, which is f of x. ये भी इवन फंक्शन. कोई भी इवन डिग्री रखोगे वो इवन फंक्शन होता है. एंड ऐसे भी आप चेक कर सकते हो. मॉडुलस फंक्शन f of x इज द मॉड x. एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स का मॉड. माइनस एक्स का मॉड जितना होता है एक्स का मॉड वही होता है. अगेन एफ ऑफ एक्स. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? इवन फंक्शन. आप इसका कोई भी ग्राफ उठा के चेक कर लो. वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे होता है. y is equal to cos x का ग्राफ ऐसे होता है ना? y is equal to mod x ग्राफ ऐसे होता है. इट इज व्हाट? सिमेट्रिक अबाउट y axis. ओके, एवरी इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y axis. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Odd function क्या होगा? What is odd function? Odd function क्या होगा? F of x not equals to f of minus x. No. No. Exactly. तो इसका मतलब आप बोलना चाहते हैं कि if not an even then odd होगा. ऐसा नहीं. It is not like आप ये तो real में होता है ना. आप सीधा सीधा real. रियल नंबर में इवन नंबर नहीं होगा तो ऑड नंबर होगा क्या? इन रियल नंबर सिस्टम इफ योर नंबर नॉट ऑन इवन देन ऑड नंबर होता है. यस सर, होता है. 2/3 कौन सा नंबर नहीं होता? वो इंटीजर में होता है, रियल में थोड़ी होता है. यस सर. If f of x is equal to minus of f of minus x or f of minus x is equal to minus f of x, then function f of x is called
और समझा, एफ ऑफ एक्स इज द माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दो, देन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन फंक्शन इज कॉल्ड. F of x is equal to x. Then f of minus x क्या होगा? Minus x. Minus x. Can I write minus of f of x? क्योंकि f of x आपका x है. Yes. So this is an odd function. F of x equal to x to the power 21. What is your f of minus x? Minus x to the power 21, which is minus x to the power 21, which is minus of f of x. Again, this is the odd function. जैसे even के लिए कोई भी even power रखोगे, even function हो जाता है. Odd function के लिए कोई भी odd power रखोगे, odd function हो. Okay. F of x is equal to x to the power 7 plus 3 x to the power 9 minus 17 x to the power 11 plus 52 x to the power 37. This is an example of odd function. Sabka sign change ho jayega. If we use x as minus x, sabka sign change hoga. So exactly first function ka kya ho jayega? Negative ho jayega. Yes, sir. F of x is the sine x. क्या होगा? F of minus x चेक करो. क्या होता है x? Sine of minus x. Sine of minus theta. Minus. X. Minus sine theta, so minus sine x, which is minus of f of x. Tan x function. वो भी odd function होता है क्योंकि यही satisfy. इसका graph थोड़ा check करो. F of x is equal to x. ऐसे graph मिला, ऐसे. F of x equal to x to the power 21. X, sin x का graph. ऐसे? Yes. Tan x का graph. ऐसे होता है ना? Yes. एवरी ऑड फंक्शन. अच्छा एफ ऑफ जीरो क्या होगा? इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ ऑफ जीरो क्या होगा? इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, then f of 0 value kya hoga? F of 0 hi apka f of minus x is equal to minus of f of x. Yes. अब x के जगह 0 डालो तो क्या मिलेगा? F of 0 is equal to minus of f of 0. Implies 2 times of f of 0 is equal to 0. इसको मैंने इधर ले लिया. 2 times of f of 0 equal 0. तो f of 0 क्या होगा? 0. So if f of x is an odd function, then f of 0 is equal to 0. इसका मतलब every odd function, f of x मतलब y होता है ना? F of x मतलब?
वाई होता है, तो एवरी ऑड फंक्शन एक्स जीरो होगा तो वाई भी जीरो हो रहा है। एवरी ऑड फंक्शन पासेस टू ओरिजिन। देखो मैंने जो तीन ग्राफ ड्रॉ किया ना, सब ओरिजिन पर पास कर रहे हैं, ठीक है। हेंस एवरी ऑड फंक्शन पासेस थ्रू पासेस टू ओरिजिन। एंड चेक करो ये जो ग्राफ बन रहा है ना, आप ओरिजिन पर मिरर रखोगे तो ये विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ये सिमेट्रिक होता है। ओरिजिन के हिसाब से, ए पॉइंट के हिसाब से वो सिमेट्रिक होता है। देखो ये साइड में पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव रहा, सेम ग्राफ मिला बट नेगेटिव रहा, क्योंकि ये विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हुआ था, सिमेट्रिक होगा। आप यहाँ पे मिरर रखोगे तो ये इसका मिरर इमेज बनता है। यहाँ पे चेक करो, ए साइड में पॉजिटिव, नेगेटिव साइड में नेगेटिव आ गया। सो एवरी ऑड फंक्शन इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस था, एवरी ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। समझाइए। तो ये हो गया आपका इवन एंड ऑड फंक्शन रेड।
डन। नेक्स्ट सर नोट वाला पार्ट थोड़ा। यस सर डन। Every function अच्छा जो आप बोल रहे थे कि इवन नहीं होगा तो ऑड होगा, नहीं होगा तो इवन होगा। एक ग्राफिकली एग्जांपल दे रहा हूँ। इज इट फंक्शन और नॉट? कि नहीं ये एक फंक्शन की नहीं, मतलब यहाँ पे मैं इतना ही डोमेन रखा, फंक्शन होगा कि नहीं होगा? ये जो ग्राफ आपका फंक्शन है कि नहीं है? नो सर। क्यों, कौन सा एक्स के लिए आपको डबल वैल्यू मिला कि मोर देन वन वैल्यू मिला? सॉरी कौन सा फंक्शन है? ओके इज इट ऑड फंक्शन? नो सर। ऑड फंक्शन होता तो क्या होता, सिमेट्रिक अपर टू ओरिजिन होता। इज इट इवन फंक्शन? नो सर। इवन होता तो सिमेट्रिक अपर y एक्सिस होना चाहिए था, नहीं है। तो दिस फंक्शन नाइदर इवन ना ऑड, ठीक है? तो दिस वी नोट कर लो, इफ फंक्शन नॉट एन इवन फंक्शन दैट डज नॉट मींस फंक्शन विल बी ऑड फंक्शन। फंक्शन मिक्स में होता है, ऑड इवन भी मिक्स होता है। एवरी फंक्शन वी कैन राइट एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। कोई भी फंक्शन आप दोगे दैट फंक्शन यू कैन राइट सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। जैसे हम किए थे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यू कैन राइट एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इट इज लाइक दैट, कोई भी फंक्शन दिया जाएगा यू कैन सेपरेट दैट फंक्शन एज सम ऑफ टू फंक्शन, वन इज द इवन फंक्शन अनदर विल बी ऑड फंक्शन। प्रूव कर पाओगे इसको? ट्राई करो प्रूव करने के लिए। थियोरेटिकली ट्राई करो, एग्जाम्पल लेके नहीं होता है, जो प्रूफ होता है थियोरिटिकली किया जाता है।
मिला नोट सर। एफ ऑफ एस कैन आई राइट एफ ऑफ एक्स आज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, एफ ऑफ माइनस एक्स कैंसिल होगा एफ ऑफ एक्स एफ प्लस एफ ऑफ एक्स ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको मैं बाय टू कर दिया, चलेगा? Yes. इसको मैं और एक फंक्शन ले रहा हूँ जी ऑफ एक्स, लेट जी ऑफ एक्स इज द एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय और इसको मैं एच ऑफ एक्स ले रहा हूं, एच ऑफ एक्स इज द एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय, अब जी ऑफ माइनस एक्स निकालो क्या होगा, इफ जी ऑफ एक्स इज द दिस वन तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन टू, तो कैन आई राइट जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स तो ये ना, यस सर, व्हाट इज द एच ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को जाके माइनस एक्स डालो तो ये होगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा बाय टू, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कैन आई राइट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू, पर इसके जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स, आज जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन, हियर एच ऑफ माइनस एक्स इज द माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन, इसको मैंने रखा था जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, है ना, इसका मतलब एवरी फंक्शन यू कैन राइट एज इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन, समझा? यस सर,
डन सर। नेक्स्ट इज द कंपोजिट फंक्शन। लेट फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल एंड एफ ऑफ एक्स दिया गया 2x² + 1 एंड अनदर फंक्शन जी रियल टू रियल एंड जी ऑफ एक्स गिवन 3x - 5। ठीक है, so there are two types of composite function. One is called fog function, FOG. F of g of x. इसका मतलब f of g of x. और एक होता है blob function, g of f of x. This is called blob function. ठीक है, ये चेक करो क्या होता है, विच इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स के जगह क्या लिखोगे 3x - 5। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 1 देन एफ ऑफ 3x - 5 कितना होगा 2 × 3x - 5² रिप्लेस x के जगह 3x - 5 डाल दो, 2 × 3x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज 2 × 9x² - 30x + 25 + 1 क्या मिला आपको 18x² - 60x = 51 करेक्ट। Yes, sir. What is g of f of x क्या मिलेगा आपको, g of f of x, f of x के जगह आप डालोगे 2x² + 1, f of x के जगह 2x² + 1 आपका g of x is the 3x - 5 then 2 g of 2x² + 1 कितना होगा 3t - 5 तो ये होगा 3 × 2x² + 1 - 5 am I correct yes sir which is 6x² + 3 - 5 that is -5 so in general क्या मिलता है f of g of x fog function is not equal to grub function क्योंकि इधर हम देखे कि दोनों दोनों फंक्शन सेम नहीं रहा तो इन जनरल फॉग फंक्शन इज नॉट इक्वल टू ग्रब फंक्शन। इज दैट क्लियर? कैसे फॉग फंक्शन मिला ग्रब फंक्शन मिला? ऑलवेज फॉग फंक्शन ग्रब फंक्शन पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पे रियल टू रियल था इसलिए पॉसिबल हो गया बट ऑलवेज नहीं होता है। हम देखते कि फॉग फंक्शन ग्रब फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, लेट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी फंक्शन फ्रॉम बी टू, इसका मतलब एफ फंक्शन का डोमेन सेट ए, को डोमेन सेट g फंक्शन का डोमेन b होगा, को डोमेन c होगा, करेक्ट? यस सर। सपोज इसमें मैं रख रहा हूं 1 2 3 4
बी सी डी ई वी क्यू आर इजेट फंक्शन, ये फंक्शन ए टू बी का फंक्शन को मैंने रखा एफ, बी टू सी का फंक्शन रखा मैंने करेक्ट, ए टू बी फंक्शन हो रहा है, ए टू बी फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यस सर। बी टू सी फंक्शन हो रहा है? यस सर। अब देखते हैं कि ए टू सी का फंक्शन को क्या बोलेंगे, ठीक है? व्हाट इज योर एफ ऑफ वन? बी। व्हाट इज योर जी ऑफ बी? पी। एफ ऑफ जी ऑफ बी, एफ ऑफ जी ऑफ बी चेक करो क्या मिला, एफ ऑफ जी ऑफ बी, जी ऑफ बी की जगह आप क्या लिख सकते हो? पी, बट एफ ऑफ पी आपके पास कुछ नहीं है। एफ ऑफ, इफ यू फाइंड आउट एफ ऑफ जी ऑफ बी तो ठीक है, जी ऑफ बी आपके पास है, पी लिखोगे, बट एफ ऑफ पी आपके पास है क्या? पी का कोई फंक्शन है क्या? नो सर। आगे आप कुछ निकाल नहीं पा रहे, बट इसका जी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो। यहाँ पे हम क्या निकाले, इसमें हम निकाले एफ ऑफ फॉग फंक्शन, ओके, दिस इज कॉल्ड फॉग फंक्शन। पहले जी को रखे देन एफ को यूज किया। अब गव फंक्शन निकालो, तो जी ऑफ एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन क्या होगा? बी। बी तो ये हो जाएगा जी ऑफ बी, जी ऑफ बी क्या होगा? पी। तो ये आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर गया। तो यहां से जो ए टू आप क्या, इसमें क्या मिलेगा आपको, तो ये क्या मिला, दैट इंप्लाइज जी ऑफ एफ ऑफ वन इज इक्वल टू बी मिला। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ टू क्या मिलेगा? एफ ऑफ टू बी, फिर जी ऑफ बी अगेन पी। यस सर। जी ऑफ एफ ऑफ थ्री क्या मिलेगा? ये भी पी मिलेगा। जी ऑफ एफ ऑफ फोर क्या मिलेगा? एस एस एस, फोर का ई हुआ, ई का एस हुआ, करेक्ट? यस सर। तो यहां से ये जो फंक्शन मिला इसका चेक करो, वन टू थ्री फोर, ये डोमेन होगा, पी एस क्या होगा, रेंज होगा। तो डोमेन ये कौन सा सेट में रहा? ए सेट में रहा, वन टू थ्री, और जब पी एंड एस किस में रहा? डी में रहा। तो ये जो ए टू सी का फंक्शन जो बना, ए टू सी का जो फंक्शन बना, दिस इज द फंक्शन व्हाट, गव फंक्शन, जी ऑफ एफ ऑफ, ये जो फंक्शन बनेगा ए टू सी। समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। इफ ए टू बी का फंक्शन एफ, B to C का फंक्शन G, then A to C का जो फंक्शन बनना, that is gov function, not fog function. ऐसा नहीं कि हम इसको उल्टा कर देंगे, fog function होगा. Okay. आप इसको सपोज उल्टा कर दोगे,
आप बोलोगे मैं सी टू ए आ जाऊंगा, मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? फॉग फंक्शन होगा. दिस इज नॉट करेक्ट वन. ठीक है, ये आपको देखो मैंने फॉग निकाल रहा था लेकिन मेरे पास कोई फॉग फंक्शन मिला ही नहीं. एफ ऑफ जी ऑफ बी, ओके, फॉग फंक्शन आपको डिफाइन नहीं हुआ. एफ ऑफ पी के बाद आप क्या करोगे? एफ ऑफ पी तो मिल गया बट पी आपके डोमेन में नहीं है. तो ए टू बी फंक्शन, बी टू सी फंक्शन, इसका जो कंपोजिट फंक्शन होगा ए टू सी फंक्शन होगा, दैट फंक्शन इज द गफ फंक्शन, नॉट फॉग फंक्शन. यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट कर गए, दो फॉग फंक्शन इज नॉट इक्वल टू गफ फंक्शन, बट दोनों एग्जिस्ट किया बिकॉज ऑफ आपका फंक्शन कहां से कहां तक था, रियल टू रियल था, इसलिए वो एडजस्ट करता है. यहाँ पे डोमेन, सर्टन डोमेन इज देयर 1 2 3 4, इसका डोमेन ए बी सी डी ई, वो रियल पूरा नहीं है इसलिए वो फंक्शन नहीं हो पा रहा है. इफ सो ये नोट करना है कि इफ ए टू बी फंक्शन इज एफ, बी टू सी फंक्शन इज जी, देन ए टू सी जो फंक्शन होगा दैट फंक्शन इज द गव फंक्शन. समझा? यस सर. यस सर. सर फॉग में थर्ड स्टेप कैसे आया? ये एफ ऑफ एक्स क्या था? 2x2+1. मैं 3x को 3x-5 को t मान रहा हूँ. तो आपका फंक्शन क्या हो गया? ओके यस सर समझ. एफ ऑफ टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर 2t2+1. अब t की जगह फिर रिप्लेस कर दो 3x-5. ओके यस सर. 2t2+1. समझा? यस सर. इसको नहीं समझा तो बताओ.
ए से आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे उसका इमेज आपको बाईपास होके सी में मिला, इसलिए ए टू सी भी फंक्शन मिला। और ए टू सी जो फंक्शन हुआ दैट फंक्शन दिस फंक्शन इज कॉल्ड गो फंक्शन नॉट फॉर। डन। ये क्यों बड़ा क्यों नहीं हो रहा? हाँ कुछ फंक्शन ले रहा मतलब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स देन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वेयर दैट जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो f of g of x log function log function ओके। तो इतने सारे फंक्शन मैंने रखा केस वन इफ f of x इवन g of x चार केसेस रखेंगे इफ बोथ इवन
इवन और इवन और चार केसेस मैंने रखा। आप मुझे बताना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा व्हेन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बोथ इवन, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये सब क्या होगा, आप बताना। बताओगे? सर इवन इवन ओके ये इवन ये इवन दिस वन इवन ये इवन ये इवन ओके और इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। नो सर। ये ऑड ऑड ओके ये ऑड ये इवन इवन ये इवन ये इवन कुछ चेंजेस चाहोगे? Any changes, anything? F of g of x odd होगा ना? ये सर वो odd आ रहा है g of f of x। ये भी odd आ रहा है। okay. और कुछ? नहीं सर इतना ही। ओके और कोई कुछ चेंजेस नहीं है देखते? नो सर। सेकंड कंडीशन आपको दिया गया एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन, इसका मतलब क्या है? माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास है। यस सर। यस सर। जी ऑफ एक्स और दिया गया, मतलब जी ऑफ एक्स इक्वल्स माइनस, यस सर, माइनस जी ऑफ एक्स। ओके, ये दो आपके पास है, करेक्ट? यस सर। लेट h of x is the f of x plus g of x, आपको क्या टेस्ट करना है, क्या निकालना है? h of minus x निकालना है। if h of minus x h of x होगा then even होगा, नहीं उसका नेगेटिव होगा odd होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा तो क्या लिखोगे? None.
neither even nor odd. Yes sir. तो h of minus x क्या होगा? F of x. F of minus x plus g of minus x. Just yes. F of minus x के जगह क्या लिखेंगे? F of x. G of minus x के जगह क्या लिखेंगे? Minus g of x. Is it h of x? No, sir. Is it minus of h of x? Yes, sir. Huh? No, sir. तो ये फंक्शन क्या होगा? Neither odd nor even. Yes. In neither odd function nor even function. समझा? Yes, sir. ये क्या होगा? Same, sir. ये क्या होगा? Odd. Let h of x equal to or p of x कर देता हूँ. Let us take p of x is the f of x into g of x. तो p of minus x क्या होगा? f of minus x into g of minus x. Yes. F of minus x क्या है? F of x. G of minus x क्या है? Minus g of x. तो क्या मिला? Minus f of x g of x. इसको क्या बोलोगे? Odd function. Minus of p of x. तो function क्या मिला? Odd. ये क्या होगा? Odd. अब ये क्या होगा? F of g of x. Even. Even. चेक करो. Let q of x is the f of g of x. तो q of minus x क्या होगा? ये होगा ना f of g of minus x. f of g of minus x कितना होता है? g of minus x क्या होता है? Minus gx. gx. सर odd function आ रहा है. f of minus x क्या होता है? f of x. f of x. तो f of minus of g of x क्या होगा? f of g of x. क्या मिला आपको? Even function. odd function नहीं है, even function. ये क्या होगा? ये odd. ये भी even. Let r of x is the g of f of x. ठीक है, r of minus x निकालो, g of f of. Yes sir, ये भी even आएगा. f of minus x की जगह f of x. ठीक है, क्या मिला? Rx. ये भी होगा even. समझा? Yes sir. Third one. क्या होगा? N. क्या होगा? क्या होगा? Odd. ये भी odd. Even. Fourth में क्या होगा?
दोनों ऑड ऑड चेक करो बेटा। दोनों ऑड होगा तो क्या होगा? अब आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? एफ ऑफ माइनस एक्स इज द माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, दोनों ऑड, तो ये क्या होगा? ये माइनस होगा। अभी ये ऑड कर दिया तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स विच इज माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ माइनस एक्स इज द माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स। कौन सा फंक्शन मिला? ऑड फंक्शन। ये भी ऑड होगा। ये क्या होगा? इवन। ये क्या होगा? इवन। ये क्या होगा? इवन। इवन ये ऑड होगा। ये इवन होगा, ये ऑड होगा, दोनों ऑड होगा। दोनों ऑड होगा, चेक करते हैं। इसमें अभी क्या है? q of x, f of g of x, दोनों ऑड हैं, तो f of minus of g of x minus f of minus x क्या होगा? minus f, ये होगा माइनस ऑफ एफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स। क्या मिला? माइनस ऑफ क्यू ऑफ एक्स, तो फंक्शन क्या मिला? ऑड। इसका ऐसे थोड़ा याद रखो, रियल जैसा थोड़ा याद रखो। इस ये केस में आप डिसाइड कर दोगे, एक दोनों इवन होगा तो इवन, दोनों ऑड होगा तो ऑड, एक इवन ऑड एक ऑड होगा तो आपका फंक्शन क्या होगा आप बता नहीं पाओगे। मतलब कुछ पर्सन ऑड हो रहा है, कुछ पर्सन इवन हो रहा है। देखो इवन के साथ इवन करोगे तो क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। ऑड के साथ ऑड फंक्शन करोगे तो ऑड फंक्शन, आप क्या कर रहे हो? सम कर रहे हो ना। जैसे ये f of x equal to x, ये x cube, दोनों का सम भी ऑड फंक्शन होगा ना। यस। ऑड इवन जब मिक्स होता है तो इसमें आप बता नहीं पाओगे, ठीक है? जो जहां पे मल्टीप्लिकेशन दिया है ना, उस आप रियल में प्लस सोचो। मल्टीप्लिकेशन केस में आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड केस में आप प्लस सोचो, कंपोजिट केस में आप मल्टीप्लाई सोचो, आपका आंसर बैठ जाएगा। इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन होता है। इवन इनटू इवन, इवन इवन मतलब एक ऑड एक इवन, प्लस करेंगे तो क्या होगा? ऑड ऑड, एक इवन एक ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Even. ठीक है, इसमें भी वही केस हुआ। दोनों ऑड, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, इवन इवन, ये भी इवन रहा। ऑड इनटू ऑड, ऑड ऑड, ठीक है। तो कंपोजिट में आप सोचो कि ये रियल का मल्टीप्लिकेशन जैसा है, मल्टीप्लीकेशन में सोचो कि ये इसका एडिशन की सब्ट्रैक्शन होगा।
कंसेप्ट समझ में आया ना? यस सर। सर आपके वन नोट का स्क्रीन चला गया। क्या चला गया? वन नोट वाला स्क्रीन। यस सर। शेयरिंग में दिखाई दे रहा है सर अभी? नहीं सर, दिख रहा है पर आप चेंज कर रहे हो तो वो भी चेंज हो रहा है साथ में। हाँ सर। मतलब वो सिस्टम को पूरा शेयरिंग में रखा है इसलिए मैं जो देख रहा हूँ ये। अच्छा ठीक है, शट डाउन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है थैंक। अभी क्या दिखाई दे रहा है सर? दूसरा स्क्रीन क्वेश्चंस वाला। अच्छा अब दिखाई दे रहा है? नहीं सर। नहीं सर, वन नोट ही दिख रहा है। वन नोट दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। डन।
यस सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहां से फिर स्टार्ट करेंगे। मतलब कंपोजिट हो गया आपका इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन, आज इतना ही किया ना। यस सर। बाकी इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन रहेगा आप कर सकते हो, मतलब साइमल्टेनियसली आप करते रहो। सर कोई होमवर्क है? हाँ होमवर्क को ही बता रहा हूँ ना, मॉड्यूल से आप साइमल्टेनियसली करते रहो। जो क्वेश्चन जैसे इवन फंक्शन का कुछ भी क्वेश्चन आएगा यू कैन सॉल्व ना। ओके क्योंकि ये बहुत थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, मतलब एट ए टाइम सब कुछ कर नहीं पाओगे। ओके सर चलो थैंक यू बाय। सर ग्रुप पे पीडीएफ भेज देना ना एक बार आप। हाँ हाँ ठीक।